के आदेश में 24 अगस्त 2017 को दिए गए आदेश में कहा गया है। तो उस आदेश के बाद मोदी सरकार द्वारा नया आदेश पारित करके 10 संस्थाओं को खुली छूट देना, जिसमें सीबीआई भी है, जिसमें ईडी भी है, जिसमें एनआईए भी है, जिसमें रॉ भी है, जिसमें सीबीडीटी भी है, जिसमें पुलिस वालों को भी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी टेप करने की छूट दे दी गई है, फोन टैपिंग की छूट दे दी गई है। अब इसके बाद किसी की भी जिंदगी को पूरी तरीके से मॉनिटर करने का काम केंद्र सरकार कर सकती है, और खास तौर से अपने विरोधी नेताओं को जिस तरीके से दुर्भावनापूर्ण ढंग से दिल्ली में हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है, सबके फोन टैप करके, सबकी लोकेशन लेके कभी भी किसी के ऊपर हमला करा सकते हैं ये लोग, कभी भी किसी के ऊपर लिंचिंग करा सकते हैं, यहां तो लिंचिंग वाली सरकारें चल रही हैं देश भर में। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कानून है जो केंद्र की सरकार ने पारित किया है, बहुत ही खतरनाक एक आदेश उन्होंने पारित किया है जो एक व्यक्ति की जिंदगी की निजता को अपने पास कैद करने का कानून है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। इन मंदिरों को तोड़ करके शिवलिंग ये थाने में पड़े हुए हैं, ये शिवलिंग थाने के शौचालय के पास पड़े हुए हैं बनारस के अंदर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अब तो इसमें एफआईआर भी दर्ज हो गई है, इसलिए इसमें झूठ बोलने का कोई प्रशासन के पास बहाना नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो काशी के अंदर आपने मंदिर तोड़ा, दूसरी तरफ आप कहते हैं हम राम भक्त हैं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अयोध्या में आपका नारा है रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और काशी में आपका नारा है भोले बाबा हम आएंगे मंदिर सारे तोड़वाएंगे। अरे भगवान श्रीराम ने तो शिव की भी पूजा की थी, भोले बाबा की भी पूजा की थी, आज आप उसको मिटाने पे लगे हुए हैं, उसकी प्राचीनता को, उसकी धरोहर को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बाबर शाही और नादिर शाही का काम कर रही है, जिस प्रकार से उन्होंने मंदिरों को तोड़ने का काम काशी के अंदर किया है।